देखे गए इन पांच सपनों का किसी से भी जिक्र ना करें, वरना बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे आप। आज हम बात करने वाले हैं आपके पांच ऐसे सपनों के बारे में जिनको आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा, और आपने इन सपनों को देखने के बाद शायद उनको और लोगों के साथ शेयर करने की गलती भी की होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपका यह पांच सपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इन पांच सपनों को अपने परिवार के लोगों के साथ भी शेयर ना करें तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आज आपको पता लगेगा कि क्या हो सकता है ऐसे पांच सपनों को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने का परिणाम। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सोते हुए सपना तो हर शख्स देखा है। सपने देखना एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर किसी के साथ घटित होती है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो नींद खुलने के बाद हमें याद नहीं रहते, तो कुछ ऐसे सपने होते हैं जो उठने के बाद भी हमें बहुत अच्छी तरीके से याद होते हैं। आपने यह कई बार बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि या फिर खुद भी कहा होगा कि आज मैंने यह सपना देखा। जी हाँ, हम अक्सर दूसरे लोगों के साथ अपने सपने शेयर करना नहीं भूलते, लेकिन यह बात बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिनका जिक्र हमें किसी से नहीं करना चाहिए। शास्त्रों की माने तो ऐसा करना गलत होता है, इससे उस सपने का भविष्य में मिलने वाला फल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं फिर पांच सपना कौन कौन से हैं। दोस्तों, इस तरह के सपनों में सबसे पहली बात आती है प्रकृति से संबंधित सपनों की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कोई ऐसा सपना देखा है जिसमें आप प्रकृति यानी नेचर के बिल्कुल करीब हो, सपने में समुन्दर, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी जैसे चीज देखे हो, तो आप इन चीजों को देखने का मतलब बहुत अच्छे से जानते होंगे। कि नहीं जानते तो हम बता देते हैं, बहुत जल्द आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जैसे प्रकृति के करीब जाकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, ठीक वैसे ही ऐसे सपने का मतलब भी यही होता है। लेकिन अगर आप इन सपनों के बारे में किसी को बता देते हैं तो हो सकता है कि आप सपने के इस फल से वंचित रह जाएं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी कड़ी में दूसरी तरह के सपने के बारे में, जो है मौत से संबंधित। दोस्तों, अक्सर हमें ऐसे सपने भी आते हैं जिनमें हम खुद की या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की मौत देखते हैं। ऐसे सपने देखने के बाद कभी कभी हम लोग डर जाते हैं, तो कभी हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपको ऐसे सपने आए तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत के सपने आपकी परेशानी को खत्म करने की ओर इशारा करता है। लेकिन अगर आप इन सपनों का जिक्र किसी के साथ शेयर कर देते हैं तो सपने का होने वाला असर हमेशा खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी तरह के सपने के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। यहाँ हर रोज नॉलेज से भरपूर एक नई वीडियो देखने को मिलती है। तीसरे तरह के सपने के बारे में तो दोस्तों, यह थे सर्प दर्शन से संबंधित। अक्सर हम लोगों को सपने में सांप दिखाई देता है तो हम डर जाते हैं, परंतु यदि आपको सपने में सांप दिखाई पड़े तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सपने में सांप दिखना आने वाले समय में आपके व्यापार में होने वाले मुनाफे या कार्यों में सफलता की ओर संकेत करता है। यानी कि सपने में सांप देखने पर आपको धन लाभ की संभावना होती है, इसलिए इस सपने के बारे में भी आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से आपको इसका फल नहीं मिलता। अब बात करते हैं चौथे तरह के सपने के बारे में जो आपको किसी को भी नहीं बताना चाहिए, और वह है भगवान के दर्शन। अगर आपको सपने में किसी भी भगवान के किसी भी तरह से दर्शन हो जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आपके जीवन में खुशी आने वाली है।
सपने में भगवान के दर्शन का मतलब ही किसी बड़ी सफलता से है, इसलिए आगे आने वाले समय में आपको भगवान के दर्शन से कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी जरूर मिलेगी। इसलिए इस सपने का जिक्र भी आपको किसी से नहीं करना चाहिए, वरना आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आखिरी यानी कि पांचवें सपने के बारे में, जो है मछली देखने के संबंधित। दोस्तों, अगर आपने सोते वक्त सपने में किसी भी प्रकार की मछली को तैरते हुए देखा है, या फिर खुद को या किसी और को मछली पकड़ते या खाते देखा है, तो यह काफी शुभ माना गया है, क्योंकि सपने में मछली देखने का मतलब होता है अचानक से बड़ा धन लाभ होना। इस सपने का फल आपको आगे आने वाले एक महीने के अंदर ही मिल जाता है, इसलिए इस सपने का भी जिक्र आपको किसी भी व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ हर रोज नॉलेज से भरपूर एक नई वीडियो देखने को मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।